जिसको भी कोई प्रॉब्लम लगे मैसेज कर देना आप मुझे। अभी स्क्रीन आ रही है, कोई मैसेज करे एक लोग। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति का, देखिए आपके सामने मैंने आप ही लोगों के चार्ट रखे हुए हैं, इसमें एक हेमा जी का चार्ट है, एक नीतू जी का है, उर्वशी जी का है, मनीष जी का है, और बाकी फिर देख लेंगे किसका और लेना है। अभी हम लोग इन्हीं चार्ट्स पे जो है डिस्कशंस करेंगे। ये हरा पेन कोई चला रहा है वो सही कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुंडली में, लगन कुंडली में कहां गई है, लगन कुंडली में कहां गई है, तो लगन कुंडली में कहां चला गया, हम कहां चले गए, नाइन्थ हाउस में। तो हमारा कनेक्शन किससे आ गया, नाइन्थ हाउस से। अब नाइन्थ हाउस को देख कौन रहा है, फर्स्ट लॉर्ड को देख कौन रहा है, तो फर्स्ट लॉर्ड को यहां देख रहा है सूर्य। तो हमारा कनेक्शन हो गया किससे, हमारे फादर से सबसे ज्यादा, उसके बाद सूर्य देख रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे आ गई फैमिली। तो ये व्यक्ति जिसकी भी कुंडली है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने फादर से और अपनी फैमिली से हो गई होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड कुंडली में जहां जा रहा है, जो भी फर्स्ट लॉर्ड को देख रहा है वो सारे जिम्मेदार बनते हैं, वो सारे जिम्मेदार बनते हैं कि उनका कनेक्शन, उनका अटैचमेंट किस पर्टिकुलर चीज से होगा। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। सेकेंड लॉर्ड कुंडली में जहां जाता है, अब आप ही लोगों में से किसी का चार्ट देखिए, नीतू जी का, इनका फर्स्ट लॉर्ड बना है मंगल, मंगल चला कहां गया है फिफ्थ हाउस में। तो इनका जो अटैचमेंट होगा अपने नॉलेज की तरफ, अपनी संतान की तरफ, ठीक है, और जो भी पूरा का पूरा अटैचमेंट होगा अपनी जो सेकंड, अगर कोई कोई छोटी सिस्टर या भाई है तो उससे पूरा का पूरा अटैचमेंट होगा। अब देखिए मंगल देख, मंगल को देख कौन रहा है, तो मंगल को यहाँ देख रहा है चंद्रमा। चंद्रमा किस भाव का स्वामी बन गया, चौथे भाव का। तो इनका जो, चूंकि ये परस्पर दृष्टि भी है, तो यहाँ पे इनका सबसे ज्यादा कनेक्शन जो होगा वो अपनी मदर से भी रहेगा। और देखिए कोई प्लेनेट देख रहा है क्या, तो कोई और प्लेनेट जो है वो मार्स को नहीं देख रहा, इसलिए लग्नेश कुंडली में गया कहां, पांचवें भाव में। उसको देख कौन रहा है, चंद्रमा, वो कहां का स्वामी है, चौथे भाव में। तो इस व्यक्ति का कनेक्शन जो है, इस व्यक्ति का जो अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं से नॉलेज की तरफ, अपने को जो है मोटिवेट करने की तरफ, अपनी मदर की तरफ, ये पूरा का पूरा होगा। अब इसी में देखिए उर्वशी जी का चार्ट है, कौन बना है, लग्नेश, आठ नंबर स्वामी का कौन होता है मालिक, मंगल। ये कहां चला गया, मंगल, देखो आप सभी लोग, मंगल चला गया लग्न में। तो कहीं ना कहीं जो है इनका पूरा का पूरा रिलेशन जो है खुद को लेकर के होगा। ये जो भी चीजें खुद के लिए चाहेंगी, जो भी चीजें खुद के लिए करना चाहेंगे, अपने दिमाग को डेवलप करने में, मस्तिष्क को डेवलप करने में और अपने शरीर को डेवलप करने में, मतलब हम अच्छे दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, ये सारा का सारा जो है वो पूरा का पूरा यहीं से रहेगा। और देखिए मंगल के साथ केतु बढ़ा है, तो फिर यही चीजें बढ़ गई। और मंगल को कोई प्लैनेट देख रहा है क्या, मंगल को और कोई प्लैनेट नहीं देख रहा है, इसलिए इनका पूरा का पूरा जो अटैचमेंट है वो खुद के लिए ही होगा। इसी तरह अगले चार्ट में आए, मनीष जी की कुंडली है, इसमें देखिए सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं खुद से रिप्रेजेंटेट कर रहा है, तो लगन में ही सूर्य बैठा है। लेकिन और एक चीज आप देखो तो बुध के साथ बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा है। तो बुध किन किन भावों का स्वामी है, बुध बना है एकादश, ग्यारहवें भाव का स्वामी, और किसका स्वामी बना है, फैमिली। तो इस व्यक्ति का संबंध अपनी फैमिली से, अपने मित्रों से, और बुध किस जो है सन खुद का है, और बुध जो है बुध का बता ही दिया, और बृहस्पति किन किन भावों का स्वामी बना है, देखिए एट हाउस का और फिफ्थ हाउस का। तो अपनी कंटिन्यू नॉलेज को बढ़ाने में, लोगों को मोटिवेट करने में, और दूसरा ऑकल्ट स्टडीज में पूरा का पूरा इंटरेस्ट रखने में इनका पूरा का पूरा अपना इंटरेस्ट होगा। ये जब हमसे नहीं जुड़े थे तो और भी दो तीन एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत करीब से, और उनका पूरा का पूरा फेथ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमेशा ही रहता ही रहता है। तो आप सब देख रहे हैं कि लग्नेश का लगन में होना खुद के लिए, व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट रखेगा खुद के मस्तिष्क के लिए, थोड़ा सा कहते हैं स्वाभिमानी और स्वार्थी ऐसे लोग होते हैं जिनका लगन लग्न में ही रहता है। उसके बाद बुध है साथ में, जुपिटर साथ में है, तो कहीं ना कहीं तो पूरा का पूरा कनेक्शन होगा इस व्यक्ति का। उन उन भावों को जोड़ दीजिए जो भाव उससे जुड़ रहे हैं, तो फैमिली से होगा, पैसे को सेविंग से रिलेटेड होगा, धन कुटुंब वाणी, तो बोलने में भी इन व्यक्ति का थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, जो फ्रेंड सर्कल है उससे भी होगा पूरा का पूरा तारतम्य जो है बनेगा, और जो बृहस्पति पांचवें का और आठवें का संबंध है। इसी तरह से हम लोग चीजों को देखते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड का कनेक्शन किन किन भावों से बन रहा है। और एक चीज देखना, जिस ग्रह की दशा चल रही होगी, एक एडिशनल पॉइंट दे रहा हूं, जिस भी ग्रह की दशा चल रही होगी वो भाव उस समय
ज्यादा अच्छे से एक्टिव दिखेंगे आप। जैसे इसमें आप देखो तो दशा चल रही सूर्य की जुपिटर की, है ना, तो इस समय जो इनका टाइम चल रहा है, एक नया और दे दिया, तो खुद के लिए व्यक्ति जो है वो करेगा। एस्ट्रोलॉजी के पढ़ ही रहे हैं, ऑकल्ट सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जुपिटर जो है आठवें भाव का और पांचवें भाव का स्वामी है, तो जो दशाएं चलती हैं वो ज्यादा क्लियर कर देती हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये व्यक्ति क्या कर रहा होगा। तो सूर्य की दशा चल रही है खुद के। हेलो, जी भैया आ रही है ना आवाज पूरी की पूरी क्लियर है? ओके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, व्यक्ति का जो दशा चल रही है वो सूर्य में चल रहा है जुपिटर, तो जुपिटर किन किन भावों को ले? अब यहाँ पे देखो उन्हीं भावों को पकड़ते हैं दशाओं में, एक नया पॉइंट दे दिया, दशाओं में उन्हीं चीजों को पकड़ते हैं कि जिसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, मैप बोला था ना, मैप में जो प्लेनेट एक्टिव होगा उससे उससे रिलेटेड भाव इस समय ज्यादा होगा। तो इसमें आप देख रहे हो ये व्यक्ति का जो है सूर्य की दशा चल रही है, तो थोड़ी इगोस्टिक प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा स्वाभिमानी होंगे, अपनी ज्यादा चलाते होंगे। दूसरा बृहस्पति अंतर दशा में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति अनटैलेंटेड है 8th हाउस, तो बृहस्पति जो 8th हाउस के सबसे ज्यादा फल दे रहा है, आप देख रहे हो एस्ट्रोलॉजी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। मैंने इनको बीच में बोला भी, हमने कहा अपने काम को थोड़ा आप देख लो, ना हो तो बाद में पढ़ लेना, तो कह रहे नहीं भैया हमें पढ़ा दो किसी भी कीमत पे। तो आप देख रहे हैं फिर 5th हाउस जो है कहीं ना कहीं से नॉलेज और सॉल्यूशंस का होता है, तो वहां मौज मस्ती का भी होता है, तो पूरा का पूरा वो चीजें इनके लाइफ में चल रही हैं। आप देख रहे हैं पूरे के पूरे लिंकेज जो है, पूरे के पूरे सिंकेज वैसे ही मिलते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग, तो एक नया रूल यहाँ पे निकल आया है कि जैसे आपको 3-4-5 हाउसेस दिखेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर चीजों से रिलेशन बनाते हुए, पर्टिकुलर किसी भी एक चीज से रिलेशन बनाते हुए 4-5 चीजें दिखेंगी, लेकिन दशा कौन सी चल रही है वो निर्धारित करेगी कि पर्टिकुलर अब कौन से टाइम पे। जैसे यहाँ पे मरकरी भी था, तो मरकरी जब अगर अंतर दशा में आएगा तो व्यक्ति फिर 8th और 12th के बारे में नहीं सोचेगा, फिर वो वेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में और अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, अपनी आय के बारे में, सोशल सोसाइटीज के बारे में ज्यादा सोचेगा। तो ऐसे चीजें आप लोग आगे आगे सिंक भी कर सकते हो, इसीलिए इसको स्पेशल क्लास बोला, क्योंकि कुछ ना कुछ नई चीजें इसमें आपको मिलेगी। अब हमने आपको बताया था दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में जहां जाता है, जहां बैठता है, जो भी प्लेनेट उसको देख रहे होते हैं, जिसके साथ युति में होता है, और दूसरी बात क्या है, जो भी प्लेनेट दृष्टिपात करें या उसका अगर किसी से राशि परिवर्तन हो जाता है तो वो प्लेनेट सारे के सारे जिम्मेदार हो जाते हैं। अब इसमें आप देखिए हमारे मानी जी की कुंडली है, तो सेकंड लॉर्ड कुंडली में कहां चला गया, तीसरे भाव में, तो इनको कहीं ना कहीं जो पैसा आएगा वो कैसे आएगा, तीसरे भाव टीवी में आने से आएगा। और आप देखो चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो है वो दूसरे भाव के स्वामी को देख रहा है, तो चंद्रमा का राशि होती है 4th, 4 नंबर राशि, तो व्यक्ति के पास पैसा कहाँ से आएगा, खुद से आएगा, तो एक्टिंग करती है जिसमें मॉडलिंग वगैरह, अंग प्रदर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो चीजें भी इसमें ऐड हो गई, कहीं ना कहीं व्यक्ति की मतलब माइंड सेट और जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है वही उसको पैसा देगा। दूसरा एक चीज और होती है कि आपके सेकेंड हाउस में जो प्लेनेट बैठते हैं, एक नई चीज और बता रहा हूँ, जो सेकेंड हाउस में प्लेनेट बैठते हैं उन भावों की राशियों को भी पकड़िए, तो उससे भी क्लैरिफाई बहुत हद तक हो जाएगा कि कौन सा काम करके आप। फिर स्क्रीन चली गई, सबको दिख रही है कि नहीं स्क्रीन? स्क्रीन आ रही है भैया, दिख रही है, आपका नेट थोड़ा प्रॉब्लम, बोलिए नहीं बीच में मत बोला करिए प्लीज, कोई भी तो मैसेज कर दिया करिए जिसको कोई प्रॉब्लम हो। तो आप देखिए सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में कौन कौन से प्लेनेट बैठ गए हैं, सैटर्न बैठ गया और कौन बैठ गया, वीनस। सैटर्न किन किन भावों का स्वामी है आप एक बार फिर से देखो, बिजनेस का और ऑकल्ट का, तो व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं रहस्यमय चीजों से, और ये अपना खुद का फैमिली होती है ना, हमने बताया था मेल के लिए सेकेंड हाउस अपनी फैमिली है, लेकिन फीमेल के लिए 8th हाउस उसकी अपनी फैमिली मानी जाती है, याद है सभी को, क्योंकि जो हस्बैंड आपके होंगे उनकी फैमिली ही आपकी फैमिली होगी, तो कहीं ना कहीं इनको जो पैसा मिला वो अपनी फैमिली से भी मिला, तो आप ये चीज देख भी रहे हैं कि जो भी उनके हस्बैंड थे उनके पास भी अच्छा पैसा था, तो उस फैमिली से भी इनको पैसा मिल गया। बिजनेस से स्पाउस जो है वेल्दी मिल गया, यहाँ देख रहे हो स्पाउस का पैसा, उसकी फैमिली का पैसा, तो स्पाउस का भी पैसा मिल गया, यहाँ पे ऐड हो गया। और वीनस किन किन भावों का स्वामी बना है, 4th का और किसका बना है, 11th का, तो कहीं ना कहीं जो है 11th हाउस भी इनको पैसा देगा और 4th हाउस भी पैसा देगा। बात क्लियर हो रही है सभी को? आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे सन को जो है मून देख रहा है, ये खुद से भी पैसे का पूरा हुनर होगा। आगे बढ़ते हैं,
थर्ड लॉर्ड कुंडली में जहां, अब इसमें नीतू जी की कुंडली में चलिए दिखाते हैं इसको, वेल्थ कहां से आएगी, तो सेकंड लॉर्ड कौन बना, शुक्र। शुक्र कहां बैठ गया, फिफ्थ हाउस में, तो पैसा कौन देगा, कंसल्टेंसी, गाइडेंस और पढ़ाना, स्टडी कराना, ये चीजों से इनको पैसे आएंगे। और क्या वीनस को कोई प्लेनेट देख रहा है, तो वीनस को अभी तक कोई प्लेनेट नहीं देख रहा है, इसलिए इनकी राशियों को भी उठा लेंगे अगर कोई खाली है तो खुद से भी पैसा आएगा, फैमिली के पास भी, अपने जो इनका जो मायका पक्ष होगा वो भी पैसा देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और धन कुटुंब वाणी का भाव होता है, तो वहां से इनको अच्छे पैसे होंगे, मतलब कहने का एक बात हो गई कि व्यक्ति अपने बोलचाल से भी पैसे अच्छे कमा लेगा। आवाज आ रही है मेरी सभी को, एक बार कोई बोलिए जी भैया, आ रही है। आगे देखते हैं उर्वशी जी की कुंडली, इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, देखो नाइन्थ सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठ गया, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया, तो सेकंड हाउस ही इनको पैसा देगा पूरी तरह से। और देखो शनि देख भी रहा है इसको, तो और पैसा कहाँ से आएगा, तो ऑनलाइन कोई भी काम करने उससे पैसा आ जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है फोर्थ हाउस से पैसा आएगा, वास्तु भी ये कर लें तो भी इनको पैसा आ जाएगा, और होम फर्निशिंग इस तरह से फोर्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर लें उससे भी इनको पैसा आएगा। और जुपिटर खुद जो है वो बैठा कहाँ पे है, सेकंड हाउस में, और उसकी एक राशि खाली है पांचवें भाव वाली, तो कहीं ना कहीं से जितनी नॉलेज इस व्यक्ति में बढ़ेगी उतना पैसा बढ़ेगा, जितना ये दिमाग लगा लेंगे उतना पैसा बढ़ जाएगा, और इनका जो बच्चा है वो भी कहीं ना कहीं जो फर्स्ट चाइल्ड होगी वो भी आगे चल के इनको पैसा जरूर देगी। तो इस तरह से चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और शनि देखो देख रहा है, अब इसमें शनि की दशा भी चल रही है, एक चीज देखना, शनि की दशा चल रही है, शनि उच्च का है, किन किन भावों का स्वामी है, थर्ड हाउस का, और किस भाव का स्वामी है, फोर्थ हाउस का, तो इनके हस्बैंड भी, इनके हस्बैंड भी कहीं ना कहीं जो है इनके काम को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। तो हमारी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि इनको हम ऑनलाइन सेक्टर में बढ़िया बढ़िया अपॉइंटमेंट दिलवा के इनसे कंसल्टेंसी करवाएंगे, पंडित जी ऐसा मेरा प्लान है, तो वहां वहां से भी इनको पूरे के पूरे पैसे आएंगे, मैंने बोल भी दिया है कि आपको ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे। देख रहे हो आप सेकेंड लॉर्ड कहाँ है, धन कुटुंब वाणी पैसा देगा, शनि देख रहा है, शनि किन किन भावों का स्वामी है, फोर्थ और थर्ड, तो घर बैठे ऑनलाइन अगर ये काम करेंगे क्योंकि शनि की दशा चल रही है तो बाहर के लोग भी इनको अच्छा पैसा देंगे। आगे बढ़ते हैं, मनीष जी की कुंडली देखें, मनीष जी की कुंडली में पैसा कहाँ से आएगा, स्वामी कौन बना, बुध कहाँ चला गया है, बुध कहाँ चला गया है, लगन में, व्यक्ति खुद से ही पैसे को जो है पैसे की प्रेफरेंस करने वाला होगा। और मंगल किन किन भावों का स्वामी, जो सेकंड हाउस में प्लेनेट बैठते हैं वो भी पैसा देते हैं, तो मंगल फोर्थ का स्वामी और सबसे ज्यादा नाइन्थ का स्वामी, तो व्यक्ति अपनी गाइडेंस के थ्रू भी पैसा कमा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग भी इनको पैसा देगी, और हाँ ये व्यक्ति जितना धर्म कर्म पूजन पाठ करेगा उतना वो वेल्दी होता चला जाएगा। दूसरी बात क्या बोली हमने कि आपका सेकंड लॉर्ड कुंडली में जहां बैठा जो भी प्लेनेट उसके साथ रिलेशन बना रहे हैं उन उन जगह से वो पैसा देते हैं, तो जुपिटर के साथ मरकरी के साथ जुपिटर रिलेशन बना रहा है, जुपिटर पांचवें का और आठवें का स्वामी है, एस्ट्रोलॉजी भी पैसा देगी। और दूसरी बात बताएं, एट्थ हाउस फिर से आ गया तो ये इंजीनियर भी है, तो इंजीनियरिंग से इनको अच्छा पैसा गेन होगा। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग और एस्ट्रोलॉजी इनकी बढ़िया चल रही है, तो आप देख भी सकते हैं कहीं ना कहीं से जो है जुपिटर इनके उसमें है, तो इनको कोई भी अपनी जॉब में, बीच में इनको एक क्वेश्चन भी था मेरी जॉब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो 100% नहीं आएगी, तो क्योंकि एट्थ हाउस जो है पूरी तरह से लिफ्टेड है, तो ऑकल्ट भी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, और ये इंजीनियर भी है, तो उसमें भी इनका बढ़िया काम चल रहा है, कंटिन्यू प्रमोशंस भी हो रहे हैं, तो पैसा एट्थ हाउस से आएगा, इंजीनियरिंग पैसा देगा, R&D पैसा देगी, और पैसा कौन देगा, सन देखो है तो खुद से भी पैसा आएगा, व्यक्ति की जो टेंडेंसी होगी वो खुद से भी प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं से उनकी दिमाग में पैसा ही पैसा रहेगा, है ना। और एक चीज आपको बताऊं, इनके बहुत थोड़े दिन पहले ही हमसे, मतलब हम लोग की बात हो रही थी, कुछ वो बोल रहे थे हम पेट्रोल पंप का काम करना चाहते थे, किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्या उससे मुझे अर्निंग होगी, आप देख सकते हैं सेकेंड लॉर्ड का कनेक्शन एट्थ लॉर्ड से भी बना है, तो चाहे इंजीनियरिंग कर लें, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला दें, चाहे एस्ट्रोलॉजी कर लें, चाहे ये किसी भी तरह का एट्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी काम हमने आपको बताए, वो जितने भी काम अगर ये करेंगे तो उनको वहां वहां से 100% गेन्स होंगे। कब होंगे, जब वो दशाएं भी चल रही होंगी, जैसे अभी सन में जुपिटर चल रहा है, ऐसे ही अभी जुपिटर कंटिन्यू चलता रहेगा, जब भी जुपिटर जब जब आएगा तब तब इनको एट्थ हाउस से रिलेटेड पैसा मिलेगा, और एट्थ हाउस से रिलेटेड लर्निंग इनकी कंटिन्यू बढ़ेगी। अब इसके बाद थर्ड लॉर्ड कुंडली में जहां बैठता है उससे रिलेटेड व्यक्ति को एफर्ट्स करने पड़ते हैं और करेजियस होता है, क्योंकि मैंने एक चीज और बताई है, थर्ड हाउस आपको जिद्दी बनाता है, थर्ड हाउस आपको जुनूनी बनाता है, थर्ड हाउस ही एक ऐसा भाव है जहां बैठता है या तो वहां संघर्ष पैदा करता है या कितना भी संघर्ष हो व्यक्ति वो चीज को गेन करके ही रहता है। तो इनका देखो थर्ड लॉर्ड कौन बना है, मरकरी, कहां चला गया, फोर्थ हाउस में, तो व्यक्ति जो भी
सुख सुविधाएं चाहेगा, जितना भी लग्जीरियसनेस चाहेगा, जितना भी कंफर्ट चाहेगा, वो कहीं ना कहीं से गेन जरूर कर लेगा। ठीक है, तो थर्ड हाउस के लिए और एफर्ट्स कहाँ करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं मदर के लिए एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। और थर्ड हाउस किन किन चीजों, मेहनत का कारक है, संघर्ष का कारक है, तो इस चीज के लिए व्यक्ति जिद्दी भी होगा, जुनूनी भी होगा, और इसी काम के लिए उसको सबसे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और आपको पता है शनि इसको देख रहा है, थर्ड लॉर्ड को शनि देख रहा है, तो शनि किन किन भावों का स्वामी है, सातवें का, और कहीं ना कहीं से जो स्वामी है वो फैमिली का है, हस्बैंड की फैमिली, जो अपनी फैमिली होती है, तो वहां से रिलेटेड भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है कि हस्बैंड की वजह से कुछ ना कुछ जो है टेंशन रहे या संघर्ष रहे, और अपनी फैमिली की वजह से थोड़ा बहुत रहे, तो वो चीजें वो हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने चार्ट्स में देखने की कोशिश करेंगे। तो नीतू जी का चार्ट है, इनका थर्ड लॉर्ड कौन बना है, मरकरी। मरकरी कहाँ चला गया है, सेवंथ हाउस में, तो कहीं ना कहीं जो है एफर्ट जो जुड़ गया है वो सेवंथ हाउस से जुड़ गया, बिजनेस के लिए थोड़े से मेहनत और संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन जिन भी कामों को ये ठान लेगी वो करके भी मानेगी, क्योंकि ये करेजियस का भी भाव होता है। इसी तरह इसके साथ और किसका कनेक्शन बन गया, जुपिटर का और सन का, तो जुपिटर किन किन भावों से जुड़ा है, नाइन्थ हाउस से और ट्वेल्थ हाउस से, तो फॉरेन से रिलेटेड भी इनको एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। आप देखो जब भी आप फॉरेन ट्रेवलिंग या कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ जो है इश्यूज या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है संघर्ष और किन चीजों से रिलेटेड करना पड़ सकता है, सन से, सन आ गया यहाँ पे साथ में, और तो सन किस चीज का कारक है, कहीं ना कहीं बच्चे का, संतान का कारक ग्रह है, तो संतान से रिलेटेड भी आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। आप एक चीज बताए, जिद्दी और जुनूनी, आप जब तक जो आपके दिमाग में अपने संतान के लिए चल रही है, अगर आपको पता है कि इसको इतनी देर पढ़ाना है, तो जब तक आप वो चीज करवा नहीं लोगे तब तक आप पागल हो गए, ये बताइए, आप आंसर भी करिए नीतू जी, ये बात सही है कि नहीं, अगर आप बच्चे से कोई अपना एक्सपेक्टेशन करोगे जब तक करवा नहीं लोगे तब तक मानोगे नहीं, बात सही है ये, या जो भी आप किसी भी चीज को नॉलेज को गेन करना चाहोगे तो उस चीज के प्रति पूरी तरह से आप अपने एफर्ट्स डाल दोगे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सही है ना, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति उन चीजों से रिलेटेड जो है संघर्ष भी करता है, और उन्हीं भावों से रिलेटेड वो जुनूनी भी होता है, तो इसको पॉजिटिव वे में वो चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं से जिद्दीपना आपके अंदर होगा, और अगर वो निगेटिव वे में होंगी तो उस पर्टिकुलर चीज में आपके संघर्ष चल रहा होगा। ठीक है, अब ऑफ कर लीजिए माइक। फोर्थ लॉर्ड आपका कुंडली में जहां बैठता है उससे रिलेटेड आपको कंफर्ट्स और सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो अभी उर्वशी जी के चार्ट में और देख लेते हैं, थर्ड लॉर्ड कौन बना, शनि, चला कहां गया है, चला गया है ट्वेल्थ हाउस में, तो इनको फॉरेन जाने की बहुत टेंशन होगी, जिद भी होगी कि एक बार जो है बाहर घूम के आते हैं, और साथ में जो है कहीं ना कहीं से थर्ड लॉर्ड अनटेंटेड है, और उसके बाद जो है जो कहने का मतलब ये फोर्थ हाउस जो फोर्थ लॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं शनि ही बना है, तो कहने का मतलब जो भी एफर्ट्स होंगे जो भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं से फोर्थ और थर्ड को लेकर के ही होंगी, तो मदर से भी कोई संघर्ष चल सकता है, और जो थर्ड हाउस है आपका उससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ये सारी चीजें आप इसमें देख रहे हो। और शनि को कोई प्लैनेट देख रहा है क्या, शनि को जो है और कोई प्लैनेट नहीं देख रहा है, इसलिए व्यक्ति का जो एफर्ट्स चलेंगे वो कहीं ना कहीं यही होंगे। और एक देखिए चार्ट है, थर्ड लॉर्ड कौन है, वीनस, कहाँ चला गया, फोर्थ में। आप देखो ये सबसे ज्यादा जो एफर्ट, मनीष जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, सबसे ज्यादा जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो फॉरेन जाने के लिए ही कर रहे हैं कि हम फॉरेन किसी तरह चले जाए तो हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो एफर्ट्स वाला लॉर्ड कुंडली में जहां जा रहा, और जुनूनी भी है कि हमें जाना भी, एक बार बताइए बात सही है कि नहीं है, बताइए मनीष। उसके बाद शनि भी देख रहा है इसको, तो शनि कहीं ना कहीं बेस्ट सर्विसेज को दिखाता है, तो अगर ये बेहतर सेवाएं नहीं दे पाए, नौकरी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इनको संघर्ष चलते ही रहते हैं, क्लियर है। और बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं स्पाउस और बिजनेस भी सेवंथ हाउस है, तो सेवंथ हाउस और सिक्स हाउस का कनेक्शन शनि से बना है, शनि जो है वीनस को देख रहा है, इसकी वजह से नौकरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, या जिस व्यक्ति से जैसा करवाना चाहेंगे जब तक करवा नहीं लेंगे नहीं मानेंगे, और सेवंथ हाउस आपके बिजनेस का है और आपके जो है लोगों से कम्युनिकेट करने का है, तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं दूसरे इनसे परेशान भी हो सकते हैं कभी कभी, कि जो है कहीं ना कहीं से बातचीत बहुत करते हैं, क्योंकि आपको पता है सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं जो है थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, और सेवंथ हाउस किसका होता है, आपके सामने वाला व्यक्ति, तो कभी कभी लोग ऐसा भी बोलेंगे भाई तो बोलता बहुत है, अब बाद में बात करते हैं आपसे, है ना। तो कहीं ना कहीं से ये चीजें है कि नहीं, ऐसा बताइए आपको फील बने ना, आजकल हम बोलना बहुत कम कर दिए। नहीं, अब हमने बोलना बंद कर दिया।
चलिए माइक बंद कर लीजिए। अब फोर्थ लॉर्ड जो होता है कुंडली में, वो जहां जाता है जो भी प्लैनेट उसको देख रहे होते हैं, जिसके साथ राशि परिवर्तन होता है, उस चीज से रिलेटेड आपको कंफर्ट मिलते हैं, उस चीज से रिलेटेड आपको लग्जरीनेस मिलती है। कहीं ना कहीं फोर्थ लॉर्ड जो है आपकी कुंडली में कौन बना है, शुक्र, कहाँ चला गया है, धन भाव में, फैमिली के भाव में। तो इस व्यक्ति को जो भी कंफर्ट्स मिलेंगे वो अपनी फैमिली से मिलेंगे, जो भी कंफर्ट्स मिलेंगे अपनी बातचीत करके बड़े शांत हो जाएंगे, मतलब इनके दिमाग। एक चीज और समझना, शांति का भाव कौन सा होता है, फोर्थ। अब बहुत सारे लोगों की आज की डेट में पीड़ा है कि मेरे अंदर अशांति है, तो फोर्थ लॉर्ड कुंडली में जहां जाएगा उससे रिलेटेड आप काम कर लो, आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे इसमें चला गया फैमिली और कम्युनिकेशन, अगर ये व्यक्ति बातचीत कर ले किसी से, कितनी भी तरह की उलझन अंदर घुटन क्यों ना हो, कि किसी से बात क्यों ना करने, वैसे इनको शांति मिलना चालू हो जाएगी। ये हेमा मालिनी की कुंडली है, नीतू जी की कुंडली में देखते हैं क्योंकि यहाँ कंफर्मेशन भी हो जाएगा। तो फोर्थ लॉर्ड कौन बना है, यहाँ पे चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ चला गया है, फ्रेंड वाले हाउस में। अब आप अपना माइक ऑन करके बताइए कि आपको कभी भी कोई भी टेंशन हो, अशांति हो किसी भी तरह की, और आप अपने फ्रेंड सर्कल से किसी भी तरह से जुड़ जाओ, तो उस समय आप एकदम पूरी तरह से उन सारी चीजों को भूल जाओगे और एक आपके अंदर अपने आप एक शांति डेवलप हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड का कनेक्शन भी देखो यहाँ पे, कहीं ना कहीं मार्स देख रहा है इसको, तो मार्स जो है वो फर्स्ट लॉर्ड है और कौन सा, एट्थ लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं से जो है ना, तो खुद को समझा करके भी आप शांति को प्राप्त कर सकते हो। और जो है कहीं ना कहीं से एट्थ हाउस भी है, तो एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी कंसल्टेंसी लेके भी आप जो है थोड़े से हल्के हो सकते हो। बात क्लियर है? और दूसरी चीज है, आपको सुख सुविधाएं, आपको कंफर्ट्स कहाँ से प्राप्त होंगे, तो आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी खुद से, एफर्ट्स से, और आपकी जो फैमिली है, हस्बैंड की फैमिली, वो आपको देगी। और कहीं ना कहीं जो है आपका फोर्थ लॉर्ड फ्रेंड सर्कल में चला गया है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल से भी आपको वो चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है, इसी तरह उर्वशी जी, अपना माइक ऑन करिए। आप कभी भी टेंशन में हो, ठीक है, तो किसी भी अपने कोई मदर तुल्य व्यक्ति हो उससे रिलेशन बना ले, उससे बोल के ही आप हल्के हो पाओगे। या आप अभी कभी अशांत हो, आपको आपके हस्बैंड किसी भी तरह की कोई चीज गिफ्ट कर दें जो थोड़ी लग्जीरियस हो, या इस तरह से हो, कोई सुख से संबंधित कोई चीज हो, जैसे कोई टेबल घर में आ जाए या कोई भी चीज आ जाए, तो आप थोड़ा सा, वैसा होता है कि नहीं होता, घर में कोई भी चीज ऐड होती है तो आपको बड़ी शांति मिलती होगी, है ना, क्योंकि घर कौन सा हाउस है, फोर्थ हाउस। ठीक है, तो आपके घर में अगर कोई चीज आ जाएगी किसी भी तरह से, आपको अगर कभी लगे आप अशांत हो, ठीक है, तो आप घर में अपने कोई भी चीज परचेज करके ले आना, जो कहीं ना कहीं कंफर्ट को रिप्रेजेंटेट करे, जो कहीं ना कहीं से किसी तरह के लग्जीरियसनेस को रिप्रेजेंटेट करे, वो एक ऐसी चीज हो जो घर में आप डेकोरेट कर पाओ, वो चीज करते ही आप शांत हो जाओगे। बात समझ गए? और जो है ये तो मान लो हमने बताया, लेकिन यहाँ पे शनि जो है वो फोर्थ लॉर्ड बना है। शनि कहाँ चला गया है, ट्वेल्थ हाउस में। और शनि किन किन भावों का स्वामी है, थर्ड का और किसका, फोर्थ का। तो कहीं ना कहीं से आप बातचीत करके अपने छोटे भाई बहनों से भी कहीं ना कहीं उससे भी हल्के हो जाओगे, और सारी की सारी चीजें ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं कुंडली में। फोर्थ लॉर्ड हमें ये बताता है, फिफ्थ लॉर्ड बताता है कि हमें नॉलेज कहाँ से प्राप्त होगी, गेन कौन, मतलब सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे। तो इस व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में चल रही हो, तो फिफ्थ लॉर्ड कुंडली में जहां बैठता है वो पर्टिकुलर व्यक्ति उसको सॉल्यूशन ला करके देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का भाव कौन सा, फिफ्थ। कुछ नई नई चीजें भी देखिए इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, चीजों को समझिए, वो चीजें आपको समझ में आएगी। इसीलिए इसका वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट करी हुई है, ताकि आप इनको बार बार देख करके उन चीजों को समझ सको, क्लैरिफाई कर दो। तो आपका फिफ्थ लॉर्ड कुंडली में जहां जाता है उस जगह से आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। फिफ्थ लॉर्ड जहां जाता है वहां से आपको नॉलेज प्राप्त होती है। फिफ्थ लॉर्ड जहां जाता है वहां पे आपका विवेक और ज्ञान और चातुर्य काम करता है। तो फिफ्थ लॉर्ड कौन बना, जुपिटर कहाँ चला गया, सेकेंड हाउस में। तो आपका जो दिमाग लगेगा वो सेविंग्स के लिए बहुत लगेगा। प्रवशी जी बताइए, मतलब आप जोड़ने में माहिर हो एकदम, मतलब नए नए तरकीबें निकाल लोगे, कैसे पैसा छुपाया जाए, कैसे अकाउंट में डाला जाए, है ना। पूरा का पूरा जो आपका दिमाग लगेगा वो कहीं ना कहीं से इन चीजों की तरफ, सेकंड हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, सोना इकट्ठा कर लो, कोई भी ज्वेलरी क्रिएट करा लो, कोई भी चीजें कर लो, तो वहीं पे आपको जो है पूरे का पूरा दिमाग आपका काम करेगा, है ना। तो स्टोन्स भी आप लोगों को अगर प्रेफर करोगे तो भी आपका बढ़िया काम धंधा चलेगा। आगे बढ़ते हैं, नीतू जी की कुंडली में देखते हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड कौन बना है, सूर्य। सूर्य कहाँ चला गया है, सेवंथ हाउस में। तो अगर आपको किसी भी तरह का ज्ञान चाहिए, किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए, किसी भी तरह का सोल्यूशन चाहिए, तो आपके हस्बैंड ही आपको ला करके देंगे। और भी जो चीजें इसमें जिम्मेदार हैं, जो प्लैनेट्स इसके साथ युति में हैं, वो चीजें भी आपको उस तरह से, और आपको बिजनेस की एक अच्छी समझ होगी,
सामने वाले को आप बहुत अच्छी तरह से परखना जानते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि ज्ञान और चातुर्य का भाव है। तो ये लॉर्ड कुंडली में जहां जाता है जिनके साथ बैठा होता है, ठीक है, और जो लोग उसे देख रहे होते हैं वो सारे सहायक बनते हैं उन काम को कराने में। जैसे फिफ्थ लॉर्ड कौन हो गया, समझदारी बुद्धि विवेक ज्ञान, और सेवंथ हाउस कौन होता है, हमसे दूसरे लोग, हमारे जो सामने लोग होते हैं। तो आप एक मिनट में व्यक्ति को टेंडेंसी को और साइकोलॉजी को समझने वाले होंगे, क्योंकि आपका पूरा का एफर्ट जो लगेगा वो बिजनेस की तरफ भी लगेगा। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब मनीष जी की बात करें और सॉल्यूशंस भी, आपको अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में चल रही तो आपके हस्बैंड से बेहतर आपको कोई सॉल्यूशन और गाइड नहीं कर पाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आप उनसे कोई भी सलाह मांगोगे, मतलब किसी भी तरह का सॉल्यूशन, वो आपको दे देंगे 100%। और सॉल्यूशंस कहां से मिलेंगे, और कहां से मिलेंगे, देखो छोटा भाई बहन कोई दे सकता है ना, ऑनलाइन कोई भी दे सकता है, कोई भी घर में नौकर वोकर हो उनसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। और जो है कहीं ना कहीं से जो है वो जुपिटर भी यहाँ पे है, तो खुद भी इनसाइट्स परमात्मा की कृपा से मिल सकते हैं। और ट्वेल्थ में भी जो है वो कहीं ना कहीं से खाली है, तो यहाँ से भी थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लोगे, मेडिटेशन की भी थोड़ी सी कर लोगे, तो वहां से भी आपको अच्छे सोल्यूशन मिले, तो ध्यान में जाना भी ठीक है। उसके बाद जो है मनीष जी की बात करेंगे, उनकी कुंडली है तो फिफ्थ लॉर्ड कुंडली में जहां जाता है मैंने बताया वहां से आपको सोल्यूशन मिलते हैं। इसमें कौन बन गया, जुपिटर। ये व्यक्ति खुद ही सोल्यूशन ढूंढ लेगा, ठीक है। तो इनका पूरा का पूरा दिमाग खुद को बढ़ाने में, खुद को डेवलप करने में, अच्छा खुद शरीर बढ़ भी रहा है दिमाग को डेवलप करने में सारा के सारे एफर्ट्स जाएंगे, है ना। सोल्यूशन भी जो है वो खुद ही पे खुद निकल के आएंगे। फिर सन जो है वो भी कनेक्ट हो गया है और मर्करी भी कनेक्ट है, तो इन दिमाग जो लगेगा कहीं ना कहीं फ्रेंड्स को अच्छे से ट्रीट करने में, और सेविंग्स को, बातचीत कैसे बेहतर करी जा सकती है किसी से, संबंध बनाने में इनका पूरा का पूरा अपना जो है वो दिमाग लगेगा। सिक्स हाउस मैंने आपको बताया था काहे का होता है, रोग ऋण शत्रु का, और सिक्स हाउस ये अगर आपको किसी से कर्जा लेना, रोग भी छठा भाव का स्वामी जहां जाएगा वहीं से होगा, कोई कोर्ट कचहरी करेगा तो छठे भाव का स्वामी जहां जाएगा वहीं होगा, और आपको अगर कर्जा भी चाहिए तो आपका छठे भाव का स्वामी कुंडली में जहां बैठा और जो जो लोग उसको देख रहे हैं वो व्यक्ति सहायक होंगे आपको किसी भी तरह का ऋण देने में। तो आज की डेट में एक बड़ी कॉमन समस्या आती है कि हमें अगर किसी पैसे की जरूरत है, हम 10 जगह हाथ मारते हैं, 10 जगह चीजें करते हैं, उसके बाद भी हमें चीजें नहीं मिलती, लेकिन अगर कुंडली एक बार पढ़ ली जाए, कुंडली एक बार देख ली जाए और एक बार दशांतर दशा को एनालिसिस कर दिया जाए, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि हम किस व्यक्ति से बोले, किस रिलेटिव से बोले कि हमारा काम बन जाए। तो शनि जो है वो कहीं ना कहीं से सिक्स हाउस में ही बैठा है, तो इस व्यक्ति को नौकरी जहां भी करेगा वहां से अगर पैसे की जरूरत होगी तो वो भी मिल जाएगा, लोन आराम से मिल जाएगा, थोड़ा सा जो है बड़ा भी लोन मिल सकता है। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं शनि को देख रहा है, तो आपको डायबिटीज भी होने की संभावना है, इसलिए जब जब शुक्र की इधर अंतर दशा है प्रत्यंतर दशा है तो मीठे का सेवन कम से कम ही करना और अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और पैसा और जो भी मतलब जो भी परेशानी बढ़ती है, रोग ने शत्रु, शत्रु कौन बनेंगे, जो वीनस से रिलेटेड हाउस है वो कहीं ना कहीं स्टेटस फुल जो लोग होंगे वही आपके शत्रु बन जाएंगे, तो जिनके जो इनके जस्ट ऊपर बॉस हैं उन्हीं से इनकी थोड़ी बहुत कभी कभी नहीं बनती, क्यों मनीष भैया गलत तो नहीं कह रहे हैं। और जो मतलब जस्ट छोटा भाई होगा उससे भी लड़ाई झगड़े अच्छे होंगे क्यों, क्योंकि शनि को शुक्र देख रहा है, शनि और शुक्र दसवें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का, तो इनके छोटा भाई जो एकदम से है उससे कुछ ना कुछ तू तो मैं रहती है, बनती कम है, शत्रुता वाला थोड़ा सा बिहेव हो जाता है कि नहीं ऐसा राज खुल रहे सारे तो एक चीज मैं आपको बता रहा था, कुंडली वो माध्यम है जो आपको एकदम एक्यूरेसी हर तरह से एक्यूरेसी ला के दे देती है कि पर्टिकुलर कौन सी चीज कब आपको करनी है, कौन सी समस्या चल रहा है उसका सोल्यूशन वास्तव में क्या है। सेवंथ हाउस आपको पता है काय का होता है, बिजनेस का होता है। सेवंथ हाउस काय का होता है, मैसोपिल पीपल से को कन्विंस करने का, सामने वाले का दिमाग है, तो सामने वाला आपके आपसे कैसा दिमाग लगाएगा। तो देखो सामने वाला का जो आप अगर किसी से पैसा मांगोगे तो सामने वाला सबसे ज्यादा दिमाग लगाएगा, ठीक है। और ऐसे लोगों को जो है वो पैसा, दूसरों का पैसा जल्दी ये लोग लेते नहीं है, ठीक है। तो सेवंथ लॉर्ड खुद शनि बन गया, बिजनेस कौन सा करना है, जहां बिजनेस वाला लॉर्ड गया है तो सर्विस देने वाला काम बेस्ट चलेगा, और कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, शुक्र देख रहा है देखो, और जो है वो अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, नौकरी कौन सा भाव होता है, सभी लोग बोले जिनको जिनको पता है, सिक्स सिक्स
सिक्स होता है ना, अब नौकरी भी छठा भाव होता है तो नौकरी किस चीज से रिलेटेड करेंगे, ठीक है? तो छठा भाव हो गया नौकरी का, तो नौकरी में सिक्स लॉर्ड सिक्स में बैठा है, इसका मतलब नौकरी अच्छी रहेगी, ठीक है? अब सिक्स लॉर्ड को देख कौन रहा है, शुक्र देख रहा है, जो कहां बैठा है, बारहवें भाव में, तो इनकी जो नौकरी है वो बारहवें भाव से रिलेटेड है, मतलब फॉरेन की कंपनी है उसी में ये काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है? और आप देखो वीनस की राशियां कौन सी हैं, टेंथ में पड़ी हैं, तो नेम फेम सक्सेस भी है, मतलब कहने का मतलब स्टेटस भी कंटिन्यू कंपनी में बिल्ट है, और किससे, थर्ड हाउस से रिलेटेड है, तो सारा का सारा जो काम है वो सर्वर पे और ऑनलाइन पे है, तो सारी चीजें देखिए सिंक होती हैं। तो नौकरी इस व्यक्ति की कैसी रहेगी, अगर बोलना हो तो नौकरी छठा भाव छठे में बैठा बढ़िया रहेगी, और जो छठे भाव के स्वामी को देख रहे हैं, और जो प्लैनेट छठे भाव को देख रहे हैं, छठे भाव के स्वामी को देख रहे हैं, उन चीजों से जुड़ जाती है आपकी नौकरी। तो शुक्र बैठा इसलिए फॉरन से जुड़ गई, बारहवें भाव में बैठ के देख रहा है, तीसरा भाव काय का होता है ऑनलाइन, क्यों मनीष भी आप बताओ, ऑनलाइन ही तो पूरा आपका काम चलता है, आप घर में बैठे हो तो भी ऑनलाइन कर रहे हो, आप ऑफिस में होते हो तो भी ऑनलाइन ही, पूरे सर्वर से ही जुड़े होते हो कहीं ना कहीं, है ना, सब ऑनलाइन। तो सारा का सारा जितना भी आप देखो नौकरी किस चीज से रिलेटेड रहेगी ऐसे रहेगा। अब देखिए सिक्स हाउस की और नौकरी देखते हैं, अब नीतु जी की नौकरी देखते हैं, चलिए। सिक्स लॉर्ड कौन बना है इसमें, बुध बना है, ठीक है? बुध किससे जुड़ गया, देखिए बुध जुड़ गया सन से, और बुध किससे जुड़ गया, जुपिटर से, तो इनकी नौकरी किस चीज से रिलेटेड हो गई, फिफ्थ और नाइन्थ का कनेक्शन बन गया। तो ये एज ए टीचर अगर वर्क कर रही है तो कोई खराब है क्या, क्यों? नहीं, नहीं, परफेक्ट है। परफेक्ट है ना, क्यों? क्योंकि सन जो है फिफ्थ लॉर्ड है, जुपिटर जो है वो नाइन्थ लॉर्ड है, आपको पता है पांचवा और नवा भाव जो है पराशरी के हिसाब से पढ़ाने का है ना, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं से जुड़ गई है। देखो सिक्स लॉर्ड मरकरी तो, और फिफ्थ लॉर्ड जो है सन, और जो है वो कहीं ना कहीं से नाइन्थ लॉर्ड भी ये हो गया, तो इनको जो नौकरी करनी है या जो नौकरी करेंगी वो कहीं ना कहीं से इन चीजों से रिलेट करेंगी। सिक्स लॉर्ड गया कहाँ पे है, सिक्स लॉर्ड से रिलेटेड चीजें कौन सी आई हैं। अब देखिए एक चीज और देखिए, सिक्स लॉर्ड रोग का भी होता है, तो सिक्स लॉर्ड कुंडली में जहां जाता है जिनके साथ बैठता है उससे रिलेटेड इनको कोई ना कोई, ये बताए अधकपारी की प्रॉब्लम रहती है नीतू जी, सर दर्द होता रहता है कभी कभी आपका एकदम से हो जाएगा, और ऐसा लगेगा आधा सर फट रहा है। हाँ, आधे सर की प्रॉब्लम है, अधकपारी जिसको बोलते हैं ना। हाँ भैया, बहुत। और देखिए अभी जैसे इनका शनि है, शनि दशा दिख रही है, शनि दिख रहा है, जैसे ही शनि ऑपरेट किया, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ जिस दिन से ऑपरेट कर रहा, तो शनि गॉल ब्लैडर, अभी जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो आपको वहां पे क्लियर होगा कि आपको रोग वही होते हैं जहाँ पे जो प्लेनेट इफेक्टिव होते हैं, और जो सिक्स लॉर्ड में प्लेनेट बैठ, सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट बैठ जाए या सिक्स लॉर्ड जिनके साथ भी बैठा हो, आप देखना जब जब आपका सन कुंडली में किसी भी तरह से यहाँ ऑपरेट करेगा तब तब आपको सर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ेगी, और आप ठीक है, तो और जब पुरानी पड़ी है तो भी आप देखना, तो आपका सिक्स लॉर्ड जिस दिन 17 तारीख से शनि लगा है दोबारा 75 में मैप में आया है, उस दिन से बीमार है हम लगातार। हाँ, तो शनि कहीं ना कहीं मतलब तब से उसी दिन से लगा, उसी दिन से लगा है, उसी 17 तारीख से। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो बीमारी को रिप्रेजेंटेट कर रहा है इसमें शनि कर, क्योंकि सिक्स हाउस में जो प्लेनेट बैठेंगे वो भी बीमारी देंगे, और सिक्स लॉर्ड कुंडली में जिनके साथ कनेक्टेड होगा वो भी बीमारी व्यक्ति को होती होती है, ठीक है? आगे बढ़े, सिक्स हाउस पैसा भी है, अगर आपको किसी व्यक्ति से पैसा चाहिए तो सिक्स लॉर्ड कुंडली में जहां बैठा है वो व्यक्ति आपको पैसा, तो इनके हस्बैंड इनको पैसा दे सकते हैं, ठीक है? पैसा जो लेने का हाउस है वो सिक्स है, तो लोग आज के डेट में पूछने आते हैं हम लोन किनसे लें, हमें उधार लेना है किससे लें, तो सिक्स लॉर्ड कुंडली में जहां बैठ जाएगा, जिसके साथ बैठ जाएगा, या जो सिक्स हाउस में ग्रह उठ के बैठ जाएगा वहां वहां व्यक्ति को पैसा मिलेगा। तो यहाँ शनि बैठा है सिक्स में, शनि किन किन हाउसेस का कारक है, 11th और 10th, तो व्यक्ति अपना स्टेटस बढ़ाए और अपने फ्रेंड सर्कल से इनको पैसा मिल जाएगा कभी भी चाहेंगे तो भगवान करे जरूरत ना पड़े किसी को, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी भविष्य में तो वो चीजें आपको पैसा देती हैं। फिर सिक्स लॉर्ड जो है मरकरी बना है, मरकरी जुपिटर के साथ और सन के साथ, जहां जहां जुपिटर की राशियां हैं वो व्यक्ति फादर पैसा दे देंगे, बाहर से पैसा मिल जाएगा, सन है तो कहीं ना कहीं से फिफ्थ हाउस भी पैसा देगा, आप कनेक्ट करिए किससे आएंगे पैसे, ठीक है? सबको आवाज आ रही है मेरी ना, स्नेहा जी आप एक बार बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? जी सर, सबको समझ में आ रहा है, पहले भी आपको ये चीजें क्लियर करी हैं तो अभी फिर से क्लियर इसी लेकर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सभी को? अच्छा, अब क्या बताया था, सेवन लॉर्ड कुंडली में जहां जाता है वो भी क्लियर हो गया, एट्थ लॉर्ड कुंडली में जहां जाएगा उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति को पेन रहेगा, उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति को स्ट्रगल रहेगा, ठीक है? तो एट्थ लॉर्ड कौन बना है, मंगल, ये नीतू जी की कुंडली है, मंगल कहाँ बैठ गया जाके, मार्स कहाँ बैठ गया, फिफ्थ हाउस में, और इसको कौन देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, तो इनको जो कभी कभी टेंशन होगी या
टेंशन किसके लिए होगी? तो फोर्थ लॉर्ड कौन है? मदर। मदर के लिए चिंता करेंगी, मदर से रिलेटेड इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। मंगल जो है फिफ्थ हाउस में, तो बच्चे से कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, पेन जो है बच्चा देगा, मदर कभी कभी आपको पेन दे देंगी, ऐसी बातें हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाए, है ना। तो और मंगल किन किन भावों का स्वामी है? लगन का भी है, तो खुद के जो है दिमाग कभी कभी को काम करना बंद दे, एकदम दिमाग में एकदम स्ट्रेस हावी हो जाए, तो वो चीजें आपकी लाइफ में रहेंगी। ऐसे ही मनीष जी की कुंडली देखें, एर्थ लॉर्ड कौन बना है? जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठ गया? लगन में जाके। लगन में बैठने किससे क्या हो गया? और साथ में किसके है? मरकरी के। मरकरी किससे रिलेटेड है? तो इनको जो पीड़ा इनकी सेविंग्स नहीं हो रही उससे रिलेटेड है। ये कोई फ्रेंड बना लेते हैं वही इनको चीट कर लेना। मनीष जी नेट वो माइक ऑन करिए। हाँ सही बात है भैया, आपका फ्रेंड ही आपको पीड़ा दे देते हैं, पैसा नहीं जुड़ता, इनके लिए टेंशन रहती है। उसके बाद सन और जुपिटर भी है, तो सन और जुपिटर लगन में है, तो हेल्थ की वजह से भी थोड़ी सी टेंशन रहेगी। हेल्थ फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है, तो आपको पेन वहां से मिलेगा। एट लॉर्ड कुंडली में जहां बैठेगा, जिसके साथ कनेक्टेड होगा, जो जो हाउस कनेक्टेड होंगे वो चीजों से आपको पेन मिल रहा होगा। और एक चीज याद रखना, जब भी आप ये कुंडली को सिंकेज कर रहे होंगे, फिर एक इनसाइट दे रहा हूं आपको, जब भी आप इस कुंडली को किसी भी तरह से सिंकेज कर रहे होंगे, आप जैसे आप देखोगे कि चार पांच चीजें निकल आई एकदम से, तो उतने उतने पेन तो होंगे व्यक्ति को उतने, लेकिन जो पर्टिकुलर दशा चल रही होगी, अंतर दशा चल रही होगी, उसी से रिलेटेड पर्टिकुलर टाइम में व्यक्ति को वो चीजें होंगी। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे इनको किन किन चीजों से पेन होना चाहिए, इनको जो है कहीं ना कहीं से एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए स्ट्रेस ले लेंगे। एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो पेन नहीं रहेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला एट हाउस जिसको ऑपरेट करे उनको एस्ट्रोलॉजी सीखना। इनका एट हाउस देखो बहुत प्रबल ऑपरेट कर रहा है, इंजीनियर तो हैं ये, साथ में एस्ट्रोलॉजी करेंगे, टेंशन नहीं रहेगी, खुश रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अभी आप देखो टेंशन फिर भी अगर एक तरह से देख लें, तो जुपिटर से कौन कनेक्टेड हो गया है? मरकरी। मरकरी किन किन हाउस का है? यहाँ का और यहाँ का। जब जब मरकरी ऑपरेट करेगा, तब तक फ्रेंड्स और पैसे के लिए टेंशन होगी। मैं बोल दे रहा हूं आपको, आप देखना 20 मई 2021 के बाद से आपको जो है वो पैसे की और फ्रेंड सर्कल की पुनः जो है टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो चीज कम रहेगी, लेकिन होगी जरूर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मरकरी आ गया यहाँ, ठीक है। अभी जुपिटर है तो हेल्थ वाइज भी थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, सन और जुपिटर इन्वॉल्व है, तो वो चीजें आप वैसे वैसे कनेक्ट कर लो, लिंक कर लो अपने आप वो चीजें। मतलब कहने का ये है, जब भी आप कोई भी चीज देख रहे होगे उसमें 5-6 चीजें जुड़ जाएंगी, लेकिन जब जैसे ही वो दशा अंतर दशा ऑपरेट करेगी तभी वो पर्टिकुलर हाउस एक्टिव होता है। मतलब एक चीज बताई थी ना, योग बताते हैं घटना होगी, लेकिन दशा बताती है कब घटित होगी। तो अगर इसमें जैसे 5-6 जगह से पेन दिख रहा है, लेकिन जो दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा यहाँ चल रही होगी, उसी के हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइम में व्यक्ति को पेन होगा। क्लियर है सभी को? ये बात समझ में आई? हमारे साथ मुंबई से शास्त्री जी भी हैं। शास्त्री जी आपने एक बार माइक ऑन करें, आपको आवाज मेरी आ रही है? ज्वाइन किया है आपने? चलिए अभी शायद जो है आगे बात करते हैं। नाइन्थ लॉर्ड कुंडली में जहां जाता है उस भाव से रिलेटेड आपका भाग्य जुड़ जाता है। मतलब एक बात मैंने पहले भी आपको बोली है, नाइन्थ लॉर्ड कुंडली में जहां बैठेगा, उस भाव से रिलेटेड कभी भी आपको परेशानी, मतलब उस भाव को कभी परेशान नहीं करना, उस भाव से जुड़ी हुई कभी भी तकलीफ नहीं देनी। आपका भाग्य किससे जुड़ जाता है? जहां भी आपका भाग्य बैठता है। तो नीतू जी की कुंडली में देखते हैं, और वहीं से इंसाइट्स आते हैं, वहीं से गाइडेंस भी मिलता है आपको, और उसी भाव से रिलेटेड ही आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल मतलब ग्रोथ में भी हो रहे होते, क्योंकि धर्म का भाव भी है, तो धर्म आपका किस भाव से जुड़ गया ये भी देखना। अब जैसे इसमें देखेंगे जुपिटर बन गया है, तो जुपिटर जो है वो बैठ कहाँ गया है? सेवंथ हाउस में। तो आपका भाग्य किससे कनेक्ट हो गया? आपके हस्बैंड से, और जो आपका धर्म कर्म होगा वहीं से रिलेटेड होगा, तो पति देवो भवो ऐसा लोग कह सकते हैं। और दूसरी बात और है कि कहीं ना कहीं जो सामने वाले व्यक्ति होंगे उनकी हेल्प करने का भी आपका मन करता रहे, तो जो आपका वास्तविक धर्म रहेगा कोई भी आपसे कोई भी तरह की मदद मांगे एक अननोन व्यक्ति भी, क्योंकि देखिए और सारे रिलेशंस हैं, लेकिन ये एक सेवंथ हाउस एक ऐसा होता है जिससे कोई भी रिलेशन ना हो वो सेवंथ हाउस हो जाता है। मतलब ये छोटा भाई बहन हो गया, फैमिली हो गई, ये फ्रेंड्स हो गए, या एक जो एक अननोन रिलेशन हमारा किसी के साथ बिल्ड हो जाता है ना, कि मतलब हाय हेलो हो गया, चीजें हो गई, वो सेवंथ हाउस ही हर तरह से होता है।
तो ये जो है दूसरों को मदद करने के लिए आगे आएंगे, उसी को अपना धर्म मानेंगे। और भी जो चीजें इसमें जुड़ जाएंगी, जैसे अभी केवल नाइन्थ लॉर्ड कुंडली में जहां जाएगा उससे रिलेटेड ही आपको अपना बचा के रखना है। तो पति से की वैल्यू, पति की इंपॉर्टेंस जितनी रहेगी उतना आपका जो है लक फेवरेबल रहेगा। मतलब गाइड भी आप अपने हस्बैंड से ले सकते हो, क्योंकि गाइड का भाव भी नाइन्थ है, तो वो भी वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर देंगे वहीं से आपको। एक चीज और है, मैंने एक चीज और बताई है, व्यक्ति बहुत भटकता रहता है कि हम सलाह किससे लें। सलाह जिंदगी में उसी से लेना जहां भी नाइन्थ लॉर्ड आपका बैठ जाए, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से सलाह मत लेना, क्योंकि उसी व्यक्ति की सलाह आपकी लाइफ में काम आएगी। नाइन्थ लॉर्ड कुंडली में जहां बैठेगा, इनकी कुंडली में सेवंथ में बैठा है, तो हस्बैंड से सलाह लेनी है। उर्वशी जी का देखो नाइन्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, फोर्थ हाउस में, तो कोई मदर तुल्य व्यक्ति, कोई फीमेल हो जो एजेड हो, उससे आप जब जब सलाह लोगे आप थोड़े, आपको कभी भी कोई भी परेशानी लाइफ में नहीं आएगी। अब मनीष जी की कुंडली देखिए, नाइन्थ लॉर्ड कौन बना है, मंगल। मंगल कहाँ चला गया, सेकंड हाउस। कोई भी काम आपको अपने लाइफ में करना है, कोई भी सलाह चाहिए, एक बार फैमिली से बात जरूर करनी चाहिए। बिना फैमिली की एडवाइस के आपको एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और चाहे उर्वशी जी हो चाहे नीतू जी हो, आप लोग उन्हीं चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं, इसलिए आपका कंटिन्यू जो है लक बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। और भी चीजें हैं जो नाइन्थ लॉर्ड के साथ जो भी चीजें कनेक्टेड हो जाएंगी, वो चीजें भी उतना ही भूमिका निभाएंगी जितना नाइन्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट है। क्लियर है सभी को इतना अभी तक? मतलब आपको क्लियर हो गया ना, सलाह किससे लेनी है, भाग्य। हाँ, भाग्य कौन है आपका, मतलब आप देखो पूरी की पूरी लाइफ में व्यक्ति भटकता रहता है और ये बोलता है कि हमको सही एडवाइस ही नहीं मिल रही है, हमें सही जो है वो एडवाइस ही नहीं मिल रही है। आपको सही एडवाइस वही भाव देगा जहां भी आपका नाइन्थ लॉर्ड जाके बैठ जाएगा, आपको सोल्यूशन मतलब गाइड एडवाइस। देखो सोल्यूशन फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ लॉर्ड जहां बैठेगा वहां से आप कभी किसी समस्या में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, वहां से आपको लेना। लेकिन नाइन्थ हाउस क्या नया प्लान है, नाइन्थ हाउस क्या है, कोई भी काम आप करने जा रहे हो एक बार किसी से गाइड ले लेना। देखो इसको स्पिरिचुअलिटी का भाव बोला है, और इसको किसका बोला, मोटिवेशन की जरूरत कब होती है, जब व्यक्ति हीन भावना में होता है, कुछ कर देता है ऐसा गलत जिसकी वजह से उसकी अपलिफ्टमेंट नहीं हो रही है, तो वहां मोटिवेशन चाहिए, वहां सोल्यूशन चाहिए। लेकिन नाइन्थ हाउस को गाइड मतलब ये कर देने के बाद जो सोल्यूशन चाहिए कोई गलती, तो फिफ्थ हाउस है, कर देने से पहले कोई सोल्यूशन चाहिए वो नाइन्थ हाउस है। क्लियर हो गया सभी को? तो आपको लग रहा है आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए, आप कोई समस्या में आ गए, आपके साथ कोई ऐसी अनहैपनिंग हो गई कि जिसकी वजह से लोगों ने रोका था लेकिन फिर भी आपने कर लिया, तो अब आपको वहां से निकलने का क्षमता कौन देगा, वहां से निकलने की आपको वैल्यू कौन देगा, वहां से निकलने का वास्तविक सोल्यूशन कौन देगा, जो जहां पे आपका फिफ्थ लॉर्ड प्लेस्ड होगा वो व्यक्ति ही आपको वहां से निकालेगा। तो आप लाइफ में कोई गलती करना और सेवंथ हाउस में आपका बैठा है फिफ्थ लॉर्ड, तो आपके हस्बैंड आप किसी भी तरह की आप समस्या में फंस जाओगे, वो आपको वहां से निकाल देंगे। बात समझ गए? और आपको कोई काम करना है, सपोज कोई आप काम करना चाहते हो, किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा हिचकिचाहट है करें कि ना करें, फिर आपको लगे कि नहीं ऐसा कोई व्यक्ति हमें समझ मिल जाए कि जिससे हमें गाइड ले लेना है, जिससे हमें गाइडेंस मिल जाए, जो व्यक्ति एक बार हमें बता दे कि नहीं आप जो काम करने जा रहे हो सही, तो सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, सबके चक्कर तो जहां नाइन्थ लॉर्ड चला गया है वो व्यक्ति आपको गाइड करेगा। तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया कि कहीं ना कहीं जो है फिफ्थ लॉर्ड भी सेवंथ में है, नाइन्थ लॉर्ड भी सेवंथ में, कोई समस्या में आप जाओगे वही आपके हस्बैंड निकालेंगे भी, आपको कोई काम करने जा रहे हो उन्हीं की सलाह आपके लाइफ में काम भी आने वाली। ठीक है, या अगर वो किसी भी तरह से उपस्थित ना हो, उनकी आप सलाह ना लेना जाए, किसी भी तरह की लड़ाई हो जाए, तो किसी भी अननोन पर्सन से सलाह लेना, कोई आपका रिलेटिव ना हो किसी भी तरह से, नौकरी वाला ना हो, फ्रेंड ना हो, है ना, क्योंकि सेवंथ हाउस काय का होता है, एक अननोन पर्सन कि जिससे आपकी केवल हेलो हाय चल रही है, वो किसी भी तरह से फैमिली में इंटर नहीं है, वो किसी भी तरह से और चीजों में इंटर नहीं है। बात मेरी क्लियर हो रही है ना सभी को? आपका जब किसी से कोई रिलेशन नहीं बिल्ड हो पाता है तो वहां पे सेवंथ हाउस बन जाता है। बात समझ गए? वो लोग जिनसे हम लोग बातचीत करते हैं और उठ के हट जाते हैं वहां से, फिर वो व्यक्ति की कोई बात हमारे दिमाग में नहीं रही, कभी फिर मिल गया फिर बात कर ली। लेकिन जो आपका एक रिलेशन होता है वो क्या होता है कि अगर वो बात नहीं भी कर रहा है तो आपने कॉल कर दी। बात आप समझ गए? तो अगर इनकेस हस्बैंड से आप सलाह ना लेना चाहो तो आपको किससे सलाह लेनी है, किसी भी अननोन पर्सन से जिनको आप थोड़ा बहुत जानते होगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टेंथ हाउस की। आपको पता है करियर का भाव, अच्छा टेंथ हाउस को करियर स्टेटस सब चीजों से जोड़ा गया, मतलब कहने का केवल एक हो गया
टेंथ हाउस ही कुंडली में ऐसा है कि जो काम में आपको लगातार उन्नति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, वो टेंथ हाउस ही लाके देगा। तो टेंथ लॉर्ड कुंडली में जहां बैठता है उससे रिलेटेड आपका करियर होता है। टेंथ लॉर्ड को जो ग्रह देख रहे होते हैं वो सहायक होते हैं उस काम को करवाने में। बात समझ में आ रही है? अभी हेमा मालिनी की कुंडली देखिए, टेंथ लॉर्ड कौन बना है? मंगल। टेंथ लॉर्ड आवाज आ रही है मेरी? एक बार क्लियर करें, आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है मेरी? कोई बताएगा आवाज आ रही है क्या? अभी चली गई थी भैया, अब आ रही है। आ रही है ना? तो आपकी कुंडली में जो टेंथ लॉर्ड है वो डिसाइड करता है आपको लाइफ में काम क्या करना है, ठीक है? तो टेंथ लॉर्ड इसमें कुंडली में कौन बन गया है? टेंथ लॉर्ड बना मंगल, ठीक है? मंगल कहाँ चला गया? फिफ्थ हाउस में। कुंडली किसकी? हेमा मालिनी की है। कर क्या रही है? एक्टिंग कर रही है, ठीक है? तो ऐसे ही कुंडली में आपका, और मंगल को कोई देख रहा है क्या? मंगल को कोई और प्लेनेट नहीं देख रहा है, तो इनकी लाइफ में केवल और केवल एक्टिंग रही है। बात क्लियर हो गई सभी को? और एक चीज बताओ, पॉलिटिक्स में है आप? माइक कोई खोलो अपना, बोलो एक बार, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज आपकी। हाँ आप दूसरा देखो, पॉलिटिक्स में है ये? हाँ, सबको पता है, सांसद हाँ। है तो टेंथ लॉर्ड में राहु बैठा है ना? राहु भी बिहेव कैसे करेगा? मंगल की तरह, है ना? तो राहु टेंथ में आ जाने से व्यक्ति का पॉलिटिकली करियर भी बिल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो जब तक एक्टिंग करी तो एक्टर रही, है ना? और जब उसके बाद उन्होंने उस काम को छोड़ा, फिर किसने कैप्चर कर लिया? राहु ने। तो राहु वाला काम कर रही है क्या? मतलब जो भी हम बोलते हैं ना जिसको। और भी देखो, मरकरी देख रहा है टेंथ, बाद वो बात की है, बाद में करेंगे। इलेवेंथ लॉर्ड कौन होता है? जहां से हमें सबसे ज्यादा आय होती है, इनकम का भाव है, हम फ्रेंडली नेचर किससे करते हैं वो इलेवेंथ लॉर्ड बताता है। तो हम जो है कहीं ना कहीं से जो है हमें इनकम जो होगी, आय जो होगी वो कहां से होगी? जहां भी आपका सेकंड लॉर्ड जाके बैठेगा। तो यहाँ कौन है? शनि। शनि कहां बैठ गया? छठे भाव में जाके। तो इनकम कहां से होगी? नौकरी से, सर्विसेज देने से, ठीक है? और शनि को अगर कोई देख रहा होगा तो वो भी सहायक बन जाएगा उस काम को करवाने में। इसके बाद मनीष जी की कुंडली देखते हैं, आय कौन कराएगा? फर्स्ट हाउस में पहुंच गया तो व्यक्ति की टेंडेंसी में ही पैसा कमाने की जिद होगी। उसके बाद जो है, कहने का मतलब, जो और भी प्लैनेट इससे कनेक्टेड है वो सहायक हो जाएंगे व्यक्ति को गेन और प्रॉफिट दिलाने में। बात समझ गए? मरकरी या तो फैमिली प्रॉफिट दे देगी, फ्रेंड्स प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है? उसके बाद जो है उर्वशी जी की कुंडली देखते हैं, सिक्स लॉर्ड कौन बना है? मरकरी। कहाँ चला गया? टेंथ हाउस में। तो आपको प्रॉफिट और जो भी चीज, जितना आपका स्टेटस बिल्ट होगा उतना उतना आपको गेन्स होंगे, प्रॉफिट होंगे। वीनस बैठा है तो वीनस ट्वेल्थ हाउस को और सेवंथ हाउस को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको प्रॉफिट हो सकता है और जो भी चीजें हैं। और आपको अभी आगे एक चीज और बताऊंगा क्लास में, पराशरी में, कि आपका कुछ, मतलब कहने का मतलब, आपके फ्रेंड का भी बिहेवियर कैसे होगा वो चीजें भी हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। ट्वेल्थ लॉर्ड किसका होता? खर्चा। तो खर्चा आप कहाँ करोगे? तो ट्वेल्थ लॉर्ड स्वामी जहां बैठेगा वहां पे व्यक्ति खर्चा करेगा। तो ट्वेल्थ लॉर्ड कौन बना है? शुक्र। कहाँ चला गया है? टेंथ हाउस। तो व्यक्ति का खर्चा जो होगा स्टेटस पे होगा, व्यक्ति का जो खर्चा होगा फ्रेंड सर्कल में होगा, इनका जो खर्चा होगा वो पूरा पूरा कहीं ना कहीं से जो है अपनी फैमिली पे खर्चा करेंगी। ये बताइए उर्वशी जी, स्टेटस पे खर्चा होता है? जी भैया। उसके बाद फ्रेंड्स पे खर्चा करती हो? जी। और जो थर्ड एट्थ है, ओकल्ट पे भी, मान लो एस्ट्रोलॉजी पे भी खर्चा करती हो? आगे भी मना करने का तो कहने का मतलब जो है कुछ ना कुछ जो है। और बताऊं, करियर वाला लॉर्ड जहाँ पे बैठता है, या तो व्यक्ति उससे काम कर रहा होता है या उस व्यक्ति से प्रेरणा ले रहा होता है। इनका देखिए टेंथ लॉर्ड कौन बना है? सूर्य। और बैठा कहाँ है? फादर वाले हाउस में। तो ये जब हमारे पास आई थी तो उन्होंने एक बात हमसे बोली थी, मेरे फादर ये काम करते थे एस्ट्रोलॉजी का, इसलिए मुझे भी वो काम करना है। बात आप समझ रहे हैं?
ये कहाँ से निकल के आया ये शब्द, क्योंकि टेंथ लॉर्ड आपका जहां बैठता है वो चीज भी उतनी मोटिव उतनी ही जरूरी हो जाती है जो भी प्लेनेट उसको देख रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर टेंथ लॉर्ड नाइन्थ में हो जाएगा तो फादर से रिलेटेड वर्क व्यक्ति करता है, टेंथ लॉर्ड फोर्थ में हो जाएगा तो जो मदर काम कर रही होती है को वही काम व्यक्ति करने वाला मिल जाए या मदर के काम को ही संभालने वाला हो जाए। बात समझ रहे हो? अभी मैं आपने फीमेल से ज्यादा नाइका कॉस्मेटिक्स जो है उनका एड सुना है आप लोगों ने, वो ब्रांड का नाम सुना होगा नाइका करके जो ब्रांड में है ना, तो उन मतलब हम लोग कहीं डिस्कशन कर रहे थे चार्ट पे, तो जो उनकी ऑनर है वो एक फीमेल है ठीक है, लेकिन जो उनकी बिटिया और लड़के हैं, अभी मेरे पास चार्ट उनका है नहीं, तो जो उनके लड़के और बिटिया हैं उनका जो टेंथ लॉर्ड है, उनका जो टेंथ लॉर्ड है उसका कनेक्शन फोर्थ हाउस से बन रहा है, तो मतलब अपने मदर के काम को ही पूरी तरह से संभाल रहे हैं और उसी काम को आगे वो प्रमोट कर रहे हैं। बात आप समझ लो, मतलब ज्योतिष छोटा विषय नहीं है, शास्त्र है, और छोटी छोटी चीजें आपको मैच नहीं करती हुई दिख रही हैं, छोटी छोटी चीजें आपको दिख नहीं रही, तो ये मत सोच लेना ये चीज वर्क नहीं करती, काम नहीं करती, कोई ना कोई उसमें रिलेशन जरूर होगा कि जिसके कोर पे डेप्थ में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये जो हाउस है वो वर्क कर रहा है। अब जैसे आप देखो एट्थ हाउस किसका होता है, एस्ट्रोलॉजी का है, हर तरह की टेक्निकल सर्विसेज का है, जो लोग शमशान घाट में काम कर रहे हैं उसका है, पेट्रोल पंप कोई खोल रहा है उसका, एमबीबीएस जो एमडी डॉक्टर बन रहे हैं उसका, इंश्योरेंस का जो काम कर रहे हैं उसका है। एक चीज इससे जुड़ी है क्या? सब लोग माइक अपना ऑन कर दें। कोई एक चीज केवल एट्थ हाउस से जुड़ी है क्या भाई? अगर कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है वो भी एट्थ हाउस का है, मनीष जी जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी एट्थ हाउस से है, जो भी पेट्रोल पंप किसी ने खोला एट्थ हाउस है, शमशान घाट पे कोई काम कर रहा है एट्थ हाउस है, तो एक चीज से एक ही चीज जुड़ गई क्या? कई चीजें जुड़ गई है ना उससे, कई चीजें जुड़ गई है ना, तो ऐसे कभी भी ये मत सोच लेना अपनी कोई एक चीज समझ लेना, अगर व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो रही है इतना फेथ अपने एस्ट्रोलॉजी पर रखना कि अगर कोई घटना घटित हो रही है उसका लिंकेज एस्ट्रोलॉजी में जरूर है, शायद मेरी कोई मेहनत में कमी है, शायद मेरी किसी एफर्ट्स में कमी है कि मैं उस चीज को ढूंढ नहीं पा रहा हूं, और परमात्मा को एक मैसेज प्रगत को जरूर भेजना कि वो कौन सा लिंकेज है कि जिसकी वजह से इसको व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हुई या ये अपलिफ्टमेंट इसकी लाइफ में हो रही है। बात समझ में आ रही? जब दिमाग ना काम करे तो परमात्मा से ही पूछ लेना, लेकिन ज्योतिष पे कभी जिंदगी में अपने दोष मत देना, क्योंकि अगर आपने ज्योतिष शास्त्र पे ही दोष दे दिया तो आपने अपना नाइन्थ हाउस खराब कर दिया ठीक है। तो शास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिंकेज निकाल ही लेगा। अब आपसे कोई बात करे, अब जैसे मैं बोल रहा था नायिका के जो मतलब बच्चे हैं, नायिका जो कॉस्मेटिक्स है उनका फोर्थ लॉर्ड से फोर्थ हाउस से कनेक्शन कोई निकल रहा है सपोज ठीक है, अब फोर्थ हाउस से कनेक्शन निकल रहा है तो आप ही बोलोगे वो तो कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, वो तो ये काम कर रहे हैं, फोर्थ हाउस से कनेक्शन निकल रहा है ना, मदर का काम चला रहे हैं ना, मदर के काम को आगे ले जा रहे हैं ना, सफिशियंट है, इनफ है कि नहीं, उतना तो एक योग तो निकल ही आया ना आपकी समझदारी के लिए, तो कभी भी ये भड़बड़ाने। अब देखिए इनका कौन है, टेंथ लॉर्ड कौन है, सन बैठ कहाँ गया नाइन्थ हाउस में, कंसल्टेंसी करेंगी गाइडेंस करेंगी, लेकिन यहाँ पे एक फादर का भी रिलेशन डेवलप हो रहा है तो अपने फादर से रिलेटेड वर्क भी कर रही है। इसी तरह मैंने बताया था टेंथ लॉर्ड सेकंड में बैठ जाता है तो व्यक्ति फैमिली बिजनेस कर लेता है, टेंथ लॉर्ड थर्ड में चला जाए तो या तो थर्ड वाले सारे काम करेगा या तो कोई छोटे भाई बहन से रिलेटेड कोई काम कर रहा हो, कोई छोटा भाई कोई काम स्टार्ट कर दे उसी में अपने भाई को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर ले तो भी तो थर्ड हाउस हो गया ना, नहीं हो गया। किसी का टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए तो उसका सेकंड छोटा भाई को करवा ले, या बड़ी भाभी होती है आपका फिफ्थ हाउस को उनसे कोई रिलेशन निकल आएगा, बड़ी भाभी का कोई काम है वो व्यक्ति कर रहा है, या कोई चाइल्ड हो जाए आपकी फर्स्ट चाइल्ड से रिलेटेड। आ रही है ना मेरी आवाज? तो कोई चाइल्ड कोई ऐसा काम कर ले जिसको फादर संभाल रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? जी जी भैया। तो कभी भी किसी भी चीज में भड़बड़ाना नहीं, उसके तह तक जाना, चीजें करना, तब आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कौन सी चीज कौन सी घटना कब घटित हो गई। आज कुंडली का जो है वो आज ये क्लास रखने का मेन मोटिव हमारा यही है कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उस चीज का आपको क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इन ये ज्यादा जहां तक मैं आपको मेन पे भी कर दूंगा या हो सकता है मैं इसको यूट्यूब में भी अपलोड कर दूं, जिसको बार बार देखना, जब भी कभी डाउट लगे उन चीजों को एक बार 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 देखना तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और मैंने फिर आपको बोल दूं कि आप पूरी की पूरी ज्योतिष जो पढ़ोगे उसमें कुछ ही ऐसी क्लास होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो
उस क्लास को जब भी बोला जाए इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब उस चीज, उस जगह, उस काम को, उस क्लास को बहुत सोच समझ के, बहुत हर तरह से अपने मतलब बहुत चीजें करके, मतलब उस क्लास को कभी मिस ना करना, उस क्लास को कभी भी मतलब हल्के बना ले लेना, मेरा कहने का मतलब ये। क्योंकि जो चीज अगर आपको थोड़ी बताई जाएगी कि ये महत्वपूर्ण क्लास है, तो उसका मतलब वो महत्वपूर्ण होगी ही। बात समझ रही हैं आप लोग? क्लियर हो गया? अच्छा, अब